विंड ब्रेकर का जो आर्क चल रहा था, मतलब सिस्टोरियन वर्सेस बोफोरिन का जो फाइट चल रहा था, वो फाइनली ऑल ओवर हो चुका है और इस फाइट के विजेता है बोफोरिन, जो हम सभी लोगों को पता है। तो आज के एपिसोड में क्या हो, मतलब विंड ब्रेकर एपिसोड 10 डायलॉग, इस एपिसोड का नाम है डायलॉग। इस एपिसोड के अंदर क्या क्या चीज़ें हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों ये जो एपिसोड था वो हम लोगों को पिछले एपिसोड की तरह उतना एक्साइटिंग नहीं था, इस एपिसोड के अंदर उतना फाइटिंग नहीं था, उतना सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये एपिसोड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों को ये एपिसोड ये बताता है कि उमेमिया जो है वो बोफोरिन का लीडर क्यों है, उसका मोटिवेशन क्या है, ये हम लोगों को ये एपिसोड बताता है। और इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को जो मेन कैरेक्टर है साकुरा, जो अपने आप पे मतलब अपने दम पे लीडर बनना चाहता है, उसका मोटिवेशन क्या होना चाहिए, ये भी उमेमिया ने उसको बोला। तो दोस्तों एक एक करके बात करते हैं। तो पहले हम लोगों को दिखाया गया कि उमेमिया जैसा लड़का है, मतलब वो जीत गया है लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको सिस्टोरियन का जो लीडर है मतलब चोजी और तोगामे के साथ पार्टी करना है, उसको खाना है उन लोगों के साथ, तो वो दोनों खाते हैं। तो इसके बाद जो हम लोगों को दिखाया गया वो बहुत ही फील गुड सीन दिखाया, थोड़ा कॉमेडी सीन दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे उमेमिया ने ये बोला कि मैं लीडर इसीलिए हूँ कि हमें जो बोफोरिन क्लैन वाले के जो लोग हैं वो मेरे को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो मेरे को आगे रखते हैं, इसीलिए मैं बोफोरिन का लीडर हूँ। मैं अपने आप से नहीं बना, मेरे को इन लोगों ने लीडर बनाया। और उमेमिया ने यहाँ पे ये भी बोला कि मैं स्ट्रांग हूँ इसलिए मैं लीडर नहीं बना, ये लोग चाहते हैं इसीलिए मैं लीडर बना। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन आता है वो साकुरा को आता है कि साकुरा चाहता है कि मैं अपने आप पे लीडर बनूं, वो अपने दम पे सब कुछ करना चाहता है, वो वहाँ के लीडर को हराने आया है, मतलब वो उमेमिया को हरा के लीडर बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पे उमेमिया ने ये बोला कि अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुमको लीडर एज अ लीडर देखते हैं कि नहीं देखते। और यहाँ पे चोजी को भी ये समझ में आया कि जो स्ट्रांग लोग हैं वो एक क्लैन को नहीं बनाते, जो लोग हैं मतलब जो उनके मेंबर्स हैं वही एक क्लैन को बनाते हैं। और तोगामे ने भी यहाँ पे अपोलोजाइज किया उसकी हरकतों के लिए। और ये एपिसोड जो था इसका मेन थीम यही था कि कैसे हम लोग ये देखते हैं कि बोफोरिन क्लैन इतने आगे क्यों है सिस्टोरियन से। इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया कि बोफोरिन क्लैन सिस्टोरियन क्लैन से इतने आगे क्यों है, लिटरली हम लोगों को यही दिखाया गया। और उसके बाद वो लोग वापस जाते हैं और वहाँ पर जाते ही उमेमिया अपना बच्चागिरी शुरू करता है कोतोहा के सामने और वो बोलता है कि मेरे को खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसका साकुरा के साथ एक बात था, बहुत ही सीरियस टॉक था, वो वहाँ पे करना चाहता था और उसने किया। वहाँ पे जो टॉक था हम लोगों को ये दिखाया गया कि साकुरा तो बहुत ही अच्छे से ब्लश करता है, लेकिन उमेमिया ने उसको ये बोला कि तुम तोगामे को पसंद करने लगे हो। तो तब मेरे को ऐसा लगा कि ये कोई दूसरे ट्रैक पर तो नहीं जा रहा है। यहाँ पे उमेमिया ये बोल रहा है कि तुम तोगामे को पसंद करने लगे हो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। और यहाँ पे साकुरा ब्लश भी कर रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मेरे को दिखाई दिया कि ये अभी तक तो कोई और ट्रैक पे नहीं गया है, लेकिन ये जा भी सकता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग देखो कि इस एनिमे के अंदर उतने लड़कियाँ लेकिन नहीं है, सब लड़के ही हैं। तो लड़के देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो हम लोगों को फाइट के अंदर दिखाया गया कि जब चोजी ने तोगामे को मारा वहाँ पे तो साकुरा भी उसको मारने गया, तो इसी का मतलब ये है कि साकुरा ने भी एक्नॉलेज किया तोगामे को। तो यही यहाँ पे उमेमिया बोलना चाहता था। और ऐसे ही करते करते ये जो फील गुड वाला एपिसोड है ये खत्म हो जाता है और विंड ब्रेकर का जो ये आर्क था सिस्टोरियन वर्सेस बोफोरिन का आर्क ये भी खत्म हो जाता है। तो विंड ब्रेकर जो एनिमे है वो अभी तक अगर आप लोग चेक करोगे कि विंड ब्रेकर हर एक वीक के अंदर टॉप में जा रहा है, और अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा है ना तो जाके देखो यार, आप लोग टोक्यो रिवेंजर्स को भूल जाओगे, ये उससे बहुत ही बेटर है। मैं आप लोगों को दावे के साथ बोल सकता हूँ ये एनिमे टोक्यो रिवेंजर्स से बहुत ही बेटर है। तो आप लोग जाके विंड ब्रेकर को देखो। आशा करता हूँ कि इसके आगे आने वाला जो एपिसोड्स होंगे वो इससे भी अच्छे होंगे, शायद हम लोगों को कुछ और गैंग्स को दिखाया जाए और शायद हम लोगों को फाइनली बोफोरिन क्लैन के जो और तीन लीडर्स हैं मतलब तीन किंग्स हैं, एक तो हम लोगों को दिखा दिया गया मतलब हिरागी को दिखा दिया गया, और जो तीन किंग्स हैं वो भी हम लोगों को दिखा दिया जाए। दोस्तों ये वाला जो एपिसोड था ये मेरे लिए फील गुड था। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज ला सकूं। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ। जय हिंद।